हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाली है उसका एडमिट कार्ड आप कैसे निकालोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 25 जुलाई को ही यहां पर डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था और वहां पर बताया गया था कि 25 से लेकर 29 तक अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुआ हो या त्रुटि हो गया हो तो आप उसको सुधार सकते हैं 29 तारीख तक। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके बाद में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी जो CBT होने वाली है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद में जो भी मार्क्स आएगा आपको उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये सब अभी डेटे जो है अभी तक कुछ नहीं आई है। आज कितने तारीख हो गए हैं, तो आज हो गए हैं 10 तारीख, अभी तक इसका कोई पता नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कब तक ये हो सकता है, सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पर और दिखाते हैं इसका सारा प्रोसेस। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए सिंपली हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आप देख सकते हो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यहाँ प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED पाठ्यक्रम के साथ 2022 से 2024 में नामांकन है। तो DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने में परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि सभी चीज़ बता दिए गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ डेट बढ़ने के कारण फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सभी चीज़ का डेट बढ़ चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म करने का लास्ट तिथि जो था उसे डेट 2 दिन ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको डमी एडमिट कार्ड में कहीं भी डाउट हुआ होगा तो यहाँ पर लॉगिन करने का भी ऑप्शन दिया गया था। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शेड्यूल क्या बताया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 27 जून से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया था और 22 जुलाई इसका लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का। और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपको क्या था कि यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट के लिए कमेटी बैठती, उसके बाद में फिर सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में पब्लिश होता मेरिट लिस्ट, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में भी ऑब्जेक्शन लगा सकते थे थर्ड वीक ऑफ सितंबर में। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर में आपको यहाँ पर फाइनली मेरिट लिस्ट घोषित कर दिया जाता, उसके अनुसार आपको कॉलेज वाइज कॉलेज एडमिशन होता। डेट ऑफ इनरोलमेंट देख सकते हो कि थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर रहता, इनरोलमेंट प्रोसेस क्लोज हो जाता थर्ड वीक अक्टूबर में ही क्लोज हो जाता। उसके बाद में जो क्लास जो है आपका थर्ड वीक से ही मतलब वीक अक्टूबर में लास्ट वीक से आपका क्लास स्टार्ट हो जाता। तो ये था उनका शेड्यूल, बट अभी तक इसके रिगार्डिंग कुछ काम नहीं हो रहा है कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि आज जो है 10 अगस्त हो गया है। अगर मान लीजिए कि अगस्त के एंड तक भी एग्ज़ाम लेते हैं तो सितंबर में इतना जल्दी तो आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है, हो सकता है लास्ट सितंबर तक, मतलब आप कह सकते हो कि 10 से 12 दिन या 15 दिन ये लेट चल रही है। अभी तक कोई इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा और कब आपका एडमिट जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था, आपको मैं बता दिया था कि इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बनाकर तुरंत अपलोड कर दूँगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन पर क्लिक करके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना है, उसके बाद में टाइप करना है यहाँ पर अंजलि गुप्ता 0.7। जी हाँ फ्रेंड्स, अंजलि गुप्ता 0.7 लिख के जैसे ही सर्च करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि 442 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 95 वीडियो है और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब लाल कलर का दिखेगा, यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना है। किंतु क्योंकि इनका वीडियो जो है बहुत ही अच्छी अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट वीडियो बनाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो रहता है। तो फ्रेंड्स आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार का वीडियो देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए हम लोगों ने मिलकर सभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।